हेलो जगदीप जी, मैंने सेंड तो कर दिया है ग्रुप में। आई गेस बाकी लोग भी आने वाले होंगे। तो आप में से मोस्टली लोगों ने देख लिया होगा कि एमसीक्यूज़ डाल दिए हैं। डालने वाली तो मैं एक और टॉपिक थी, लेकिन नेट स्लो चल रहा था, वरना मैं नॉवल की जो समरी है या जो पोम है उसको सोच रही हूँ साइड बाय साइड, जिससे कि जोर ना पड़े। हेलो अमनदीप, एक और सॉफ्टवेयर की बात की है। दरअसल वो अगर काम कर जाता है तो फिर और भी, मतलब दो वीडियोस भी डल सकती हैं। लाइव तो हम मिलेंगे ही, बट दो भी हो सकती हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है वॉल्टर एल्वा स्कॉट। मोस्टली जगह आपको ये रेफरेंस नहीं मिलेगी इसके नाम की, इसका मिडल नेम एल्वा था। हेलो सिपिका जी, प्रीत जी और बाकी लोग भी आ रहे हैं। हेलो मधु जी। कुछ ऐसे राइटर होते हैं जिनमें से कि हमें अप्रॉक्सीमेटली पता होता है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पहली चीज़, इसकी आइडेंटिटी स्कॉट आप याद कर सकते हो। बेसिकली ही वॉज ए स्कॉटिश, तो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। दूसरी बात, एक जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, दरअसल ये जो है पायनियर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल थे, यानी कि जो हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आया है, बेसिकली जो नॉवल का कॉम्बिनेशन आया है हिस्ट्री के साथ, कि नॉवल में हिस्ट्री को मेंशन किया जाएगा, वो सबसे पहले पर्सन लाने वाले जो थे वो थे सर वॉल्टर स्कॉट। हेलो प्रीत धलीवाल जी, प्रीत धलीवाल जी कह रहे हैं बफर कर रहा है। चलो भी देख लेते हैं, आई गेस अब नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जो याद रखनी है वो ये। दूसरी बात, इनकी आइडेंटिटी, स्कॉटिश थे। कई बार ये पूछ लेता है कि ये किस जगह से बिलोंग करते थे। हेलो रमनप्रीत कौर जी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये, इनका वर्क, एक इनका वर्क था वेवरले, ठीक है, ऐसे भी लिखा मिलेगा और ऐसे भी मिलेगा। अब इसका क्या है, अगर आपको ये वर्ड याद नहीं होता और आप 12th क्लास को पढ़ा रहे हो, तो 12th क्लास की फ्लैमिंगो की टेक्स्ट बुक है, तो उसमें ना सेकंड चैप्टर दिया गया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो उसमें राइटर एक बोट बनाता है, उसकी बोट का नाम होता है वेवरले। हेलो रेनू जी, रिच्चू जी, तो आपको ये ज़रा जो नॉवल है ना ये पढ़नी पड़ेगी। पढ़ने तो तीन वर्क हैं, तीन पोम्स पढ़नी है और तीन ही इसकी नॉवल्स पढ़नी है। लिखा इसने बहुत कुछ है और लगभग सेम ही आइडिया इसकी नॉवल्स में रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल नॉवल लिखते थे, इसलिए इनके जितनी भी नॉवल्स मिलेंगी उसमें इंग्लैंड की हिस्ट्री या स्कॉटलैंड की हिस्ट्री या फिर जो आयरलैंड है उसकी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। हाँ जी प्रीत गिल जी, तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में कि ये जो है पायनियर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल्स कहे जाते हैं। दूसरा, ये एडिनबर्ग से बिलोंग करते थे, मतलब एडिनबर्ग एक जगह है स्कॉटलैंड में, ठीक है, तो बीइंग अ स्कॉटिश ये वहाँ से बिलोंग करते थे। हाँ जी प्रीति गिल जी, इवान होया भी है, द पायरेट भी है, बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन हम पहले वो पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे। एक बार हम मास्टरपीसेस कर लें, फिर हम चाहे उन चीज़ों को चार बार पढ़ें या चार बार नहीं 5 बार पढ़ें, ठीक है। मेन क्या है कि जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना अक्सर पेपर में, चाहे आप कहीं का भी देखो, तो पहले वो चीज़ें करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही राइटर को, एक ही पोएट को हम सारा का सारा पढ़ लें और बाद में हमें कुछ छोड़ना पड़े, ठीक है। तो एनालिसिस यही कहता है कि हर राइटर को, पोएट को, या जो भी आप क्रिटिक पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ो कि मास्टरपीस कवर हो जाए। पहले आप मेन मेन करो, बाकी जो है वो हम क्वेश्चन से भी कवर कर लेंगे, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वेवरले है, मतलब फर्स्ट पॉइंट उसको दिया मैंने, हिस्टोरिकल नॉवल का जो इन्होंने पायनियर किया है, ठीक है। तो वेवरले जो इनकी नॉवल है उसका एक सब टाइटल भी है, और दिस 60 ईयर्स सिंस। अब ये जो 60 ईयर्स है ना, ये जिसकी इसने बात की है, दरअसल यहाँ पे आपको राइजिंग देखने को मिलेगी जकोबियन, जो जकोबियन एरा था, यानी कि जो जकोबियन टाइम था जिसमें कि स्टुअर्ट की डायनेसिटी आ गई थी। अगर आपको याद हो तो एलिजाबेथ 1, ठीक है, जब 1603 में उनका रूल ख़त्म हुआ था एलिजाबेथ 1 का,
तो ट्यूडर जो डायनेसिटी थी वो खत्म हो गई थी, उसके बाद जकोबियन एरा स्टार्ट होता है यानी कि 1603 से लेकर 25 तक। तो जेम्स वन आते हैं, ये वही जेम्स वन है जो स्कॉटलैंड में जेम्स सिक्स कहे जाते थे, ठीक है। इनके आने से स्टुअर्ट डायनेसिटी का इंग्लैंड में वेलकम हुआ था। तो हर एक नॉवल में, चाहे आप वेवरली की बात करो, इनके इस टेक्स्ट की बात करो, या फिर द पायरेट की बात करो, या वुडस्टॉक करके इनकी एक नॉवल है उसकी बात करो, तो मोस्टली जगह ना चाहते हुए भी आपको हिस्ट्री जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। अब जिनको ये एरा क्लियर नहीं है उनको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, ठीक है। बाय द टाइम आप एक बार दो बार समरी पढ़ोगे ना, तो समरी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट मेन जो इनका आइडिया है वो यही है कि हिस्ट्री की बात करते हैं। तो जकोबियन और स्टुअर्ट एरा के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो आपको इनका वर्क पढ़ना है, एक इसका सीक्वल भी है, दो सीक्वल माने जाते हैं, ठीक है। ईयर मैं इसका बता देती हूँ आपको। हाँ जी, जकोबाइट रिबेलियन 1745 में हुई थी ये, है ना। मेजर लेवल पे कहते हैं इसको कि मेजर लेवल पे हुई थी, चल तो पहले से भी रही थी, लेकिन पहले चीज़ें इसलिए कंट्रोल में हो गई थी क्योंकि जो विलियम ऑरेंज आए थे ना, मतलब 1700 से पहले 1685 तक जब चार्ल्स वन रहे, मतलब चार्ल्स टू रहे, तो उसके बाद से चीज़ें सही थी, लेकिन 1725 आते 1720 आते चीज़ें ख़राब होने लगी थी। तो लोगों में जो आइडियोलॉजी थी ना प्यूरिटन पीरियड को लेके, वो दोबारा से क्या है, अपराइज कर रही थी। हाँ जी दीपरा, मुझे 1814, तो ये जो चीज़ है ये 1814 में आई थी इसकी नॉवल। सेकंड जो इसका वर्क है वो है रॉब रॉय, इसी का जो पार्ट माना गया है वो है रॉब रॉय, ये 1817 में आया था। अब पार्ट है तो उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया है, ये भी एक वर्क आपको पढ़ना है, यानी कि वेवरले के बाद रॉब रॉय। तीसरा जो आपको इसका वर्क पढ़ना है वो है वेवरले एंड, ऐसे लिख देती हूँ, वेवरले एंड रेड ग्वांट लेट। हेलो वीरपाल जी, ठीक है, ये 1824 में बोला जाता है कि आया था। तो अब आप देखो कि ऐसे बहुत सारी नॉवेल्स हैं जो इस टाइम पीरियड के बीच में आई तो थीं, लेकिन मोस्टली जगह कहा गया है कि ये सीरीज़ थी, कि पहला पार्ट, देन सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। तो ये नाम थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, रॉब रॉय, वेवरले एंड रेड ग्वांट लेट और वेवरले, जिसका कि टाइटल है दिस 60 ईयर्स सिंस, कि 60 सालों के बारे में बता रहा है। और ये 60 ईयर्स वही 60 ईयर्स हैं जब जकोबियन पीरियड जाने के बाद, प्यूरिटन पीरियड जाने के बाद फिर से वो मूवमेंट दोबारा आई थी। हाँ जी सिपिका जी, 1814, ठीक है। तो वेवरले जो इसका टेक्स्ट है, जो नॉवल है, सेटिंग आपको मोस्टली जगह स्कॉटलैंड की ही मिलेगी, मोस्टली जगह सेटिंग आपको स्कॉटलैंड की ही मिलेगी। एक वर्क मुझे और लगा इसका जो इम्पोर्टेंट है, सीरीज नहीं है ये, जैसे वेवरले और रेड ग्वांट लेट था, और ये वेवरले है और रॉब रॉय था, तीन वर्क हो गए ना इसके, लिख देती हूँ एक बार दोबारा से, और वेवरले एंड रेड ग्वांट लेट। इसके अलावा इसका एक और वर्क है द ब्लैक ड्वार्फ। अगर आपको थोड़ा सा आप साइंस पढ़ते हो तो पता होगा कि जो प्लूटो है वो सोलर सिस्टम से चेन से बाहर होने की वजह से वो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाने लगा, तो उसका एक सीक्वल नंबर दे दिया है, थोड़े टाइम बाद ऐड हो जाएगा दोबारा से, 9 प्लैनेट्स ही हो जाएंगे। ड्वार्फ करके उसको याद कर लेना, ये ब्लैक ड्वार्फ और कुछ नहीं है, ये हिस्ट्री का ही एक नेम यूज़ करके इन्होंने, मतलब हिस्टोरिकल इंसिडेंट को ही इंक्लूड किया है, अगेन जो स्कॉटलैंड की ही सेटिंग है। हाँ जी हरप्रीत ढिंसा जी, हरप्रीत ढिंसा जी, दरअसल ये जो है, ये और ये फर्स्ट पार्ट कह लीजिए, ये इसका सीरीज़ का सेकंड पार्ट कह लीजिए, ये थर्ड पार्ट कह लीजिए, ठीक है। ये वाला जो वर्क है ना ये अलग है, ये डिफरेंट है, द ब्लैक ड्वार्फ जो है, ठीक है, द ब्लैक ड्वार्फ अलग है, और ये 1816 में आया था। नेक्स्ट, अब आपको इसकी तीन पोम्स पढ़नी है।
वर्क तो ये चार मेन हैं इसके, जहां से क्वेश्चन पूछता है काफी बार ये पूछ लेता है कि द ब्लैक ड्वार्फ किसने लिखा था, या किसी कैरेक्टर के बारे में दे देगा। फॉर एग्जांपल वेवरली में एक जो मेजर कैरेक्टर है ना, उसका मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन देखा था, मतलब आपके पंजाब मास्टर कैडर में तो नहीं था, बट किसी पेपर में ये पूछा था कि वो किस कैटेगरी से, मतलब पॉलिटिकल फिगर से बिलोंग करता है। तो वेवरली में एक कैरेक्टर है एडवर्ड वेवरले, ठीक। ये जो पर्सन है, ये जिसके घर रहता है, ये अपने एक अंकल के घर रहता है। अब अंकल और ये दरअसल ऑपोजिट पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो है ये टोरी है और अंकल जो है वो विग हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है। मेरे ख्याल स्टार्टिंग में जो हमें पता चलता है, ये आइडियोलॉजी तो बाद में आती है, ये जो है ये विग को सपोर्ट करते हैं और ये टोरी को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही इंग्लैंड में जो हैं ऑपोजिशन की पार्टी थी, ठीक है। जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक थे, ऐसे ही ये थे। तो कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस। प्रीत धलीवाल जी, दरअसल इसके अलावा वेवरले में ना दो और नॉवेल्स हैं, वेवरले एंड रेड ग्वांटलेट, और जो मैंने अभी बताया रॉब रॉय, ठीक है। अलग अलग नॉवल हैं ये, लेकिन सीरीज कही जाती हैं, तो तीन हो गई। पोम्स जो हैं तीन पढ़नी है। पहली द लेडी ऑफ द लेक, बहुत बार ये पूछ लेता है कि ये किसने लिखी है, ठीक है। सेकंड इसका जो वर्क है वो है द लॉर्ड ऑफ द इजल्स, द लॉर्ड ऑफ द इजल्स, आइलिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एस जो है कई बार ब्रिटिश लैंग्वेज के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि वो साइलेंट है। द फील्ड ऑफ वाटरलू, ये इसका थोड़ा इम्पॉर्टेंट वर्क है, द फील्ड ऑफ वाटरलू। ये जो वाटरलू की बैटल हुई थी 1815 में, अब एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वाटरलू 1815 में हुआ था और पीटरलू जो है वो 1819 में हुआ था। बहुत बार ईयर पूछ लेता है, तो वाटरलू की जो बैटल थी वो 1815 में हुई थी। इसके फेल हो जाने के बाद पीटरलू मैसाकर हुआ था 1819 में, ठीक है। ईयर थोड़ा सा आप याद रखना कि ये 1815 ही है और ये है 1810। इसमें से जो आपको करना है वो यही काम करना है। प्रीत धलीवाल जी कह रहे हैं कि नो पार्ट्स करे थे। प्रीत जी, रीज़न ये है कि इसने जितना भी लिखा है ना, जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं, चाहे इसने ब्लैक ड्वार्फ लिखी हो, ठीक है, ब्लैक ड्वार्फ को भी कहते हैं कि वो भी सीरीज है, तो मोस्टली जगह क्या है, जब सेम ही कैरेक्टर को ये यूज़ करता है, सेम ही हिस्ट्री को ये यूज़ करता है, तो वो सारे पार्ट्स बना दिए गए हैं। तो आप अगर इसका नॉवल कोई सा भी उठा के देखेंगे तो विकिपीडिया पे देख लीजिए, या समरी में देख लीजिए, या उस टेक्स्ट का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, वो कहेगा कि इसका प्रीवियस जो सीरीज़ है वो ये नाम था। तो वॉल्टर एल्वा स्कॉट, ये जो पर्सन थे ना, ये एक ही तरीके का टेक्स्ट लिखते थे, इसलिए जब मिलती जुलती स्टोरी लिखी जाती थी तो क्रिटिक्स कह देते थे कि ये शायद पिछली नॉवल का पार्ट है। तो आपने अगर 9 समवेयर पढ़े हैं ना, मैंने 11 समवेयर भी पढ़े हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप उस बिहाफ पे जाओगे तो उतना नहीं करना, फिर तो आपको इसका सारे ही वर्क पढ़ने पड़ेंगे, और सारे वर्क पढ़ने का मतलब है ऑलमोस्ट 12 से 15 नॉवेल्स, 15 से तो ज़्यादा नहीं है, इतनी नॉवेल्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो वो आप पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अभी ना हाल फिलहाल बहुत सारे राइटर्स हैं, मतलब विक्टोरियन भी हैं, मॉडर्न भी हैं, कंटेम्प्ररी भी हैं, देन लिंग्विस्टिक तो चल रही है। आई गेस लिंग्विस्टिक का 40% जो है सिलेबस, ऑलमोस्ट आज भी मैं चेक कर रही थी, वो ख़त्म हो गया है, 40% सिलेबस ख़त्म हो गया है। आने वाली 4 क्लासेस में लिंग्विस्टिक ख़त्म हो जाएगी, मैक्सिमम 1 महीना, उससे पहले भी हो सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सीरीज़ अगर आप मान रहे हैं तो फिर आपको सीक्वेंस में उस ऑर्डर को भी वर्क के नॉवल के याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 जो हैं वो रैंडम आइडिया है, कहीं आपने लिखा देखा होगा, हाँ हो सकता है, क्योंकि उसका रीज़न बेसिक यही है कि हिस्ट्री सेम यूज़ की है, स्कॉटलैंड की ही सेटिंग को यूज़ किया है। बहुत बार इसके नॉवेल्स में जो कैरेक्टर हैं वो भी मिलते हुए आपको मिल जाएंगे, मतलब मिलते जुलते कैरेक्टर हैं, ठीक है। हाँ जी, रमनप्रीत कौर जी, सोनम जी, हेलो, बहुत दिनों बाद आए आप। तो वॉल्टर स्कॉट में इतना ही था,
और मुझे ये कहना था कि मीनवाइल मैं ये सोच रही हूँ, जैसे आज मैंने क्वेश्चंस की डाली, क्वेश्चन की मैंने इसलिए डाली बिकॉज उसका टाइप करने का थोड़ा सा वो रहता है, एक ये एक लेजिबल फॉन्ट हो, प्लस एक जो क्वेश्चन के हिसाब से जो एक लैंग्वेज बनती है जो पूछी जा सकती है या जो ऑप्शन होते हैं बहुत जगह से सिलेक्ट करके डालने पड़े थे, इसलिए वो 15 जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा टाइम ले गए। और कल से आपको मिल जाएगी एक एक पोम पे जो समरी होगी, जितने भी मेजर पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूड करके मैं डाल दिया करूँगी। 3 बजे के स्लॉट में मैं अभी इसलिए नहीं मिलना चाह रही बिकॉज मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, मतलब मोर देन 10 लोगों ने मुझे इंडिविजुअल मैसेज किया है और उनका यही कहना है कि जो मैंने वीडियो में कहा था कि आगे पीछे का स्लॉट चल रहा है वो वाकई में था। कुछ लोगों ने कमेंट करके भी बोला है कि मी टू, यानी कि किसी ने कहा है कि मेरे साथ भी यही सीक्वेंस चल रही है, मुझे याद है एक दो लोगों ने कहा था। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन नहीं मिलते, वीडियोस मिल जाएंगी, डल जाएंगी और 7 बजे के स्लॉट में मैं मिलूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें आगे पीछे चलें, उसका क्या होता है कि आपके लिए भी वो चीज़ ना फिर फ्लो वाइज मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी के लिए, हेलो शिल्पा जी, अभी के लिए यही है, इतना पढ़िए, जितना पढ़िए उतना दिमाग में रखिए। क्वेश्चंस मैं डाल दूंगी, पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, ठीक है, एक दो पीडीएफ जो भी मेरे पास अवेलेबल होंगी मैं वो भी सेंड कर दूंगी। ऑलरेडी मैंने एमसीक्यूज उस पर डाले हुए हैं, बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। यहाँ भी पढ़िए, अपने लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए, नहीं टाइम मिल रहा। मेरे पास अभी किसी ने रिसेंटली परसों रात मैसेज किया था कि टाइम नहीं मिल पा रहा। 1 घंटा मॉर्निंग निकालिए, 1 घंटा रात के स्लॉट में निकालिए, 2 घंटे अभी पढ़िए। एग्ज़ाम आने तक तो आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो आप कैसे मैनेज करेंगे, थोड़ा सा टाइम चुरा लीजिए, है ना। रमनप्रीत कौर कह रही हैं लिंग्विस्टिक की पुरानी वीडियोस ऐसी, हाँ जी रमनप्रीत कौर राणा जी, 3 ही क्लासेस ली हैं, ठीक है, 3 क्लासेस ही ली हैं अभी लिंग्विस्टिक की, और फोल्डर बना हुआ है उसमें डाल दी हैं, वही हैं जो चैनल पे अवेलेबल हैं। आपके मास्टर कैडर के हिसाब से ही सिलेबस चल रहा है लिंग्विस्टिक का, क्योंकि लिंग्विस्टिक के अलग से वीडियोस डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिंग्विस्टिक को हमेशा 7 बजे के स्लॉट में इसीलिए रखा जाता है कि 7 बजे एटलीस्ट लोग फ्री हो जाएं। अलग से आप पढ़ेंगे, बुक भी मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की मेरे पास गाइड आई थी, ठीक है, बेसिकली क्या है वो ओपन यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स को लेती है, तो उसकी जो लिंग्विस्टिक की बुक है कंपैरेटिवली मेरे वाले नोट्स से बिल्कुल मैच करती है। तो अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक भी सर्च करेंगे जो मैंने वीडियो में बोला है, एज इट इज़ आपको वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने उसमें से नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि थीम नहीं बदल सकते, है ना। लिटरेचर का पर्सपेक्टिव हम चेंज कर सकते हैं बट कंटेंट हम नहीं बदल सकते। लिंग्विस्टिक की भी यही चीज़ है। उस पीडीएफ को आप LPU करके मैंने डाली हुई है चैनल पे, मतलब टेलीग्राम चैनल पे, आप पढ़िए उसको, अपने लेवल पे भी पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो मुझे यही कहना था, इतना ही करो, कल के लिए टॉपिक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हूँ।